हेलो दोस्तों, मनीष किचन में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एक शानदार रेसिपी जो कि है स्पाइसी पालक चिकन। सो फ्रेंड्स, जानते हैं आज की रेसिपी एंड देखते रहिए वीडियो अंत तक। सो फ्रेंड्स, लजीज पालक चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए खड़े मसाले जो कि है जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च, साथ ही मसाले जो कि है हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, थोड़ा धनिया पाउडर, तेज पत्ता एंड चिकन मसाला एंड साथ में आप हरी इलायची भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने पालक को यहाँ पर पहले से ही धोकर और काट कर रखा है एंड साथ ही में हमको चाहिए बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक एंड हरी मिर्च एंड बारीक कटी हुई प्याज एंड टमाटर। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पालक चिकन, तो मैंने यहाँ पर चिकन को अच्छे से नमक एंड हल्दी से धोकर रखा है जो कि मीट के ऊपर से बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है एंड उसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से गर्म करा है एंड उसके ऊपर फिर मैंने डाला है खड़े मसाले जो कि है साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी एंड तेज पत्ता। ऊपर से मैंने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ जिंजर, गार्लिक एंड हरी मिर्च एंड हम इसको अच्छे से सौते करेंगे ऑयल में जिससे ये अच्छे से पक जाए। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इस पर बारीक कटा हुआ हरा प्याज भी डाल दिया है एंड हम इसको अब अच्छे से चलाएंगे जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अब देख सकते हैं प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एंड गल चुकी है। अब हम इस पर डालेंगे टमाटर जो कि मैंने काट के अलग से रखा है एंड क्योंकि नमक टमाटर को गलाने में मदद करता है तो मैंने इसके ऊपर नमक छिड़क दिया है एंड अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे एंड इसको ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट तक जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। सो फ्रेंड्स, देखिए अब ढक्कन खोलते ही टमाटर अच्छे से गल चुके हैं एंड हम इसको थोड़ा दबाएंगे करछी से जिससे कि टमाटर को गलने में मदद मिले। एंड सो फ्रेंड्स, अब आइए अब हम डालते हैं बाकी सारे गरम मसाले एंड हम उसको अच्छे से चलाएंगे एंड तब तक चलाएंगे जब तक हमारे मसाले अच्छे से पक ना जाएं एंड ऑयल ग्रेवी में से सेपरेट आउट होना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक आप देख सकते हैं ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है एंड मैंने इस पर थोड़ा बटर ऐड किया है। सो फ्रेंड्स, अब समय है बारीक कटी हुई पालक को ऐड करने का एंड फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखें क्योंकि पालक बनने के बाद पालक की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है एंड वो सिकुड़ जाती है तो आप पालक को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें। अब हम पालक को अच्छे से ढक्कन से ढककर रख देंगे जिससे कि पालक को गलने में मदद मिले। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं पालक अच्छे से गल चुकी है एंड अब मैंने इसमें ऐड किया है चिकन जो कि मैंने अलग से धोकर रखा था पहले से एंड हम इसको अब अच्छे से चलाएंगे एंड इसको फिर ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट तक जिससे कि चिकन को गलने में मदद मिले। सो फ्रेंड्स, क्योंकि देगी मिर्च से ग्रेवी में अच्छा कलर आता है तो मैं अब इसमें देगी मिर्च थोड़ी सी ऐड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर और चलाने के बाद हरा भरा पालक चिकन अब रेडी है एंड आप देख सकते हैं कि चिकन भी अच्छे से गल चुका है एंड पालक भी अच्छे से गल चुकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर पर मिक्सी है तो आप पालक को पीस के भी डाल सकते हैं पालक चिकन बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड ऑल्सो शेयर योर यूजफुल फीडबैक एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।